हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग एब्सोल्युटली ग्रेट। तो आज मेरा वॉइस कैसा लग रहा है? मुझे बहुत जन कमेंट किया है कि आपका वॉइस क्लैरिटी नहीं मिल रहा है, तो मैं सोचा कि ना एक माइक लेके आ जाए। तो बहुत स्टडी करने के बाद मैंने सोचा कि कौन सा माइक लूँ, और फाइनली मैंने ये माइक चूज किया। ये बोया का माइक है और आज हम लोग देखेंगे इसका अनबॉक्सिंग, इसका रिव्यू एंड इसका प्रोज एंड कॉन्स। तो यस, अगर आप लोग चैनल पे नए हैं तो नीचे लाल कलर का बटन दबा के आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और बेल आइकन दबा के आप नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले पाए। तो चलिए सबसे पहले हम लोग इसका अनबॉक्सिंग कर लेते हैं एंड उसके बाद हम लोग देखेंगे इसका प्रोज एंड कॉन्स, एंड उसके बाद हम लोगों को देखना है कि इसका साउंड इफेक्ट कैसे आता है। और एक बार मैं कैमरा पे मतलब DSLR पे इसको लगा के देखूंगा, उसके बाद मैं इसको खोल के देखूंगा कि हाउ इज द ऑडियो क्वालिटी। तो चलिए शुरू करते हैं। हाँ, तो बेसिकली हम लोगों को कुछ बॉक्स में ऐसा कुछ मिलता है। तो बॉक्स में अगर आप लोग देखेंगे तो ये बोया का ब्रांडिंग है एंड बहुत ही अच्छा क्वालिटी का है। उसके पीछे यहाँ पर हम लोगों का इसका मेन फीचर्स है वो सब हाइलाइटेड है, उसके अलावा और कुछ नहीं है। तो चलिए इसको खोल के देखते हैं। तो बेसिकली ये बॉक्स यहाँ से कुछ इसका अनबॉक्स करना पड़ेगा एंड इसको अनबॉक्स करने के बाद हम लोगों को ऐसा एक पाउच नहीं लगा, और इसके अलावा कुछ नहीं है बॉक्स में। इसको हम साइड पे रखते हैं एंड ये मेरा बिल है। सो बिल को मैं बाद में वीडियो गेम पे मैं दिखाऊंगा कि कितना चीप में मुझे ये चीप में मुझे ये माइक मिला है। तो इसको भी मैं साइड पे रखता हूँ। उसके साथ ही आप लोगों को मिलता है ये कुछ मैनुअल। तो ये मैनुअल अगर आप चाहते हैं तो पढ़ के देख सकते हैं, पर उतना खास कुछ नहीं है। ये वीडियो देखने से ही आपको कुछ मालूम चल जाएगा। एंड यस, ये है एक बहुत ही खूबसूरत लेटर टाइप का एक पाउच। एंड अगर आप पाउच ओपन करेंगे तो आपको मिलेगा एक्सेसरीज, एंड एक्सेसरीज के साथ आपको मिलेगा ये एक माइक सेट, एंड उसके साथ ही कुछ सिलिका जेल। इसको रख दीजिए अंदर में, ये बहुत काम का चीज है। तो बेसिकली ये हम लोगों का माइक है, और ये माइक का बॉडी है। यहाँ पर अंदर हम लोग देख पा रहे हैं ये माइक बहुत ही छोटा साइज का है। इस माइक का साइज बहुत ही छोटा है पर ये बहुत काम का है, एंड इसका नॉइस कैंसिलेशन भी बहुत खूबसूरत है। एंड इसको मैं लगा देता हूँ। उसके बाद अगर आप देखेंगे यहाँ पर बोया का कुछ ब्रांडिंग मिलता है, एंड आपको यहाँ पर एक कैमरा एंड ऑन ऑफ का स्विच मिलता है। और इसको अगर आप ऑन ऑफ करेंगे मतलब कैमरा एंड स्मार्टफोन में आपका स्विच करेगा, या आपका कैमरा एंड स्मार्टफोन में स्विच करेगा। और इसको कहीं इधर से आप खोल पाएंगे, और ये है मेरा बैटरी का स्लॉट। यहाँ पर एक बैटरी लगता है जो आपको लगभग 6 महीने के ऊपर जाएगा। अगर आप दिन में 2 वीडियो बनाते भी है, जैसे कि हम लोग का टेक्निकल गुरु जी बोले हैं कि दिन में 2 वीडियो वो बनाता है तो लगभग 6 से 8 महीना उनका चल जाता है। अगर आप दिन में 1 या 2 बनाएंगे वीडियो तो आपका तो लगभग 1 साल तो जाना चाहिए। और उसके अलावा यहाँ पर एक स्विच मिलता है एंड यहाँ पर एक क्लिप मिलता है जो आप आपके बेल्ट के बेल्ट में ये आप फिक्स कर सकते हैं, एंड बेल्ट से ये आपका कॉलर में आ जाएगा। एंड यस, ये देखिए ये केबल बहुत ही लंबा है, ये केबल बहुत ही लंबा है एंड
केबल का लेंथ बहुत ही है, लगभग ये 20 मीटर्स के आसपास, 20 मीटर नहीं है, 6 मीटर मतलब 20 फीट के आसपास होगा। सो इसके साथ ही कुछ एक्सेसरीज भी मिलता है, चलिए एक बार देख लेते हैं क्या मिलता है। एक आपका क्लिप मिलता है जो आप अपने कॉलर के साथ इसको अटैच कर सकते हैं, और माइक को कुछ इस तरह से आप यहाँ पर होल्ड कर सकते हैं, यहाँ पर होल्ड करके आप ये आपके कॉलर पे लगा सकते हैं। और ये एक जैक मिलता है जो आप कहीं दूसरे जगह पे आप अगर लगाना चाहते हैं तो ये आप लगा सकते हैं। तो बेसिकली ये हम लोगों का नीड नहीं है, और कहीं कुछ दूसरे प्रोजेक्ट में अगर आपको आप ये यूज़ करना चाहते हैं तो यहाँ पर आप यूज़ कर सकते हैं। तो इसके अलावा और कुछ नहीं मिलता है। एंड ये आप लोग देख पा रहे हैं, ये था आपका बोया का, तो ये था आपका बोया का माइक। एंड यस, इसका प्रोस एंड कॉन्स ज़्यादा कुछ नहीं है, एक ही चीज़ है जो आप इसका प्रोस भी कर सकते हैं और कॉन्स भी कर सकते हैं, उसका है ये वायर। हालांकि ये वायर का क्वालिटी बहुत ही खराब है, वायर का क्वालिटी बहुत ही अच्छा है। एंड इसका लेंथ जो आपका 20 फुट तक है, तो इसको हैंडल कर पाना, इसको मैनेज करना कुछ काम के लिए अगर आप इसको मैनेज करना चाहते हैं तो वो थोड़ा डिफिकल्ट हो सकता है। एंड यस, सबसे बड़ा चीज़ इसको मेंटेन करके ऐसा रखना ताकि इसमें कुछ लीकेज या शॉर्टेज या फिर कुछ कट ना हो जाए, वो रखना एक बहुत ही मतलब डिफिकल्ट चीज़ है, आपको बहुत ही ध्यान लेके इसको रखना पड़ेगा। सो आई होप अगर आप इतना पैसा खर्चा करके ये माइक खरीदते हैं तो डेफिनेटली आप इसको अच्छी तरह से रखेंगे, आई होप सो, अगर कुछ एक्सीडेंट वगैरह ना हो जाए। तो ये था इसका प्रोस एंड कॉन्स। तो अभी चलिए इस माइक को एक बार हम लोग टेस्टिंग कर लेते हैं कि इसका वॉइस क्वालिटी कैसा है। तो अभी मैं इसका वॉइस क्वालिटी चेक करने वाला हूँ। तो मैं तो बैटरी ऑलरेडी स्लॉट पे, अभी इसको ये जो पिन है अभी इसको पिन मैं लगाने जा रहा हूँ। एंड आप लोग देखिए इसका क्वालिटी कैसा चेंज होता है। तो माइक मैं इस जगह पे लगा दिया, हाँ। तो फ्रेंड्स अभी मैंने माइक यहाँ पर लगा चुका हूँ, और अगर ये वॉइस अगर आपको कैसा लग रहा है कमेंट करके नीचे बोल दीजिए कि ये वॉइस कैसा है। एंड आई होप यहाँ पर वॉइस क्वालिटी बहुत ज़्यादा अच्छा होगा, क्योंकि यहाँ पर एज पर कंपनी यहाँ पर आपको मतलब एनवायरमेंटल जो नॉइज़ है, सराउंडिंग नॉइज़, वो कैंसलेशन का फीचर्स भी दिया हुआ है, ऐड किया हुआ है। तो ये था मेरा एक छोटा सा वीडियो। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो डू नॉट फॉरगेट टू गिव अ लाइक, क्योंकि ये लाइक ही हम लोगों का मोटिवेशन रहता है कि हम लोग आपके लिए वीडियो बनाते हैं। तो यस, आखिर में इसका कॉस्टिंग अगर आप अमेजोन पे लेते हैं तो आपको नियर अबाउट 1600 से 2000 के बीच में मिल जाएगा। एंड कभी कभी ऑफर में अगर आप जाएंगे तो इसका 900, 1000, 1200, ये इसका कॉस्ट बहुत ही फ्लक्चुएट करता है। और मैं इसका मतलब बहुत दिन से मैं इसको इसका लिंक ऑलरेडी मैं सेव करके रखा था, और मैं सोच रहा था कि इसको देखे कि इसका कॉस्ट कब कम हो रहा है। तो आखिर में मुझे मिला एक टाइम जहाँ पर इसका कॉस्ट नियर अबाउट 900 रुपीज ड्रॉप किया था, और उसके अगला ही दिन ये फिर से 1200 या 1500 के आसपास चला गया था। पर एक्चुअली मैंने किया इसको ऑफलाइन से ख़रीदा हूँ, एंड ऑफलाइन मतलब मैंने रिटेल स्टोर में ख़रीदा हूँ, और उसका प्राइसिंग मुझे पड़ा है
900 रुपीस उसका कॉस्ट बोला था, पर बार्गेनिंग करने के बाद मुझे वहाँ पर उसका कॉस्ट पड़ा नियर अबाउट 750 रुपीस। और ये 750 रुपीस में ये मिल पाना बहुत ही डिफ़िकल्ट है, पर चलिए लकीली मुझे मिल गया। अगर आप लोग वो चाहते हैं ये भी बाय करने के लिए, तो मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहाँ से बाय कर सकते हैं। एंड यस, बिलीव मी, इसका क्वालिटी बहुत ही अच्छा है, एंड आई होप आप भी समझ पा रहे हो। एक बार मैं फिर से इसको खोल के आपका इनबिल्ट माइक से आपको बात करता हूँ, तो आपको डिफरेंस समझ में आएगा। हाँ तो फ्रेंड्स, अभी मैंने इसका जैक निकाल दिया, एंड अभी आप लोग इसका डिफरेंस देख पाएंगे। मेरा घर एक्चुअली NH के सामने है, सो बहुत ही डिफिकल्ट होता है आपका कुछ वीडियो बनाने के लिए, पर चलिए कुछ ना कुछ करके मैनेज हो जाता है। एंड यस, मैं फिर से इसको लगा देता हूँ। एंड यस, दिस इज इट। एंड वीडियो कैसा लगा, एक लाइक तो ज़रूर बनता है। एंड इफ यू आर न्यू टू दिस चैनल, डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल, लाइक द हिट बटन। एंड अगर वीडियो अच्छा लगा तो आप शेयर भी कर सकते हैं। दिस इज इंद्रासिस साइनिंग ऑफ, हैव अ गुड डे, बाय बाय।